फाइनली मैंने एक आपको नया कबूतर दिखाया था जो मैं दिल्ली से लाया था, वो मर गया है। पता नहीं बिल्ली ने मारा कि पता नहीं क्या मारा है। पेटी में थोड़ा सा भी जगह नहीं है किसी जानवर को जाने का, फिर भी पता नहीं किसने मार दिया कबूतर को। लेकिन मतलब जो पेटी का जो गेट है ना, उस पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ है, और अभी दिखाता हूँ मैं आपको कितना ज़्यादा खून लगा हुआ है। गाय जी ये खून मतलब यहाँ पर यहाँ तक कितना गेट तक पूरा लगा हुआ है, और देख रहे हो इतने छोटे से जगह से पता नहीं किसने मारा, मतलब कैसे, मतलब बिल्ली ने मारा कि सांप ने, सांप तो मार ही नहीं सकता गाइज। और ये देख सकते हो कितना बुरी तरीके से इस खन्ने में था कबूतर और यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो अभी रोहित भाई ने दफना दिया, मैंने अभी वीडियो में डाल रखा है, देख लेना आप, आगे मैंने वीडियो में शूट कर रखा हूँ तो डाल दूँगा। देख सकते हो कितना खून ही खून हो रखा है। और गाइज आपको पता है यहाँ पे एक सांप भी मरा हुआ मिला था अभी, और वो दो टुकड़े में बटा हुआ था। पता नहीं अगर सांप ने मारा होगा तो वो दो टुकड़े में कैसे बटा रहेगा, ये सोचो। फाइनली गाइस देख सकते हो ये मेरा कबूतर मर गया है, और इसका ये कुछ पार्ट्स बच रखा है जिसको रोहिता भाई और छोटी भाई दफना रहे हैं ज़मीन के अंदर। कबूतर को मरने के बाद दफना देना चाहिए, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो छत पर अभी एक सांप भी मरा हुआ पाया था, और मेरा कबूतर भी मर गया है जिसको रोहित ने अभी दफना दिया। और जैसे तो सांप मरा हुआ, सांप ने मारा होता तो वो दो टुकड़ों में क्यों बटा होता, है ना गाइस? जब उसने मारा तो वही कैसे मर गया, ये बताओ। मेरे ख्याल से लगता है सांप ने नहीं मारा है, ना बिल्ली ने मारा है। अगर बिल्ली काम होता तो गाइस इतने छोटे से जगह में तो बिल्ली मार ही नहीं सकती, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ। अब पता नहीं कौन सा जानवर ने मारा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ गाइस। अगर आपको ये वीडियो, इस वीडियो में बनाना भी नहीं चाहता था कि गाइस मेरे कबूतर मतलब मैं ला रहा हूँ मर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, ये छोटी वीडियो थी। चलो फिलहाल विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में आऊँगा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। लेकिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो कबूतर मैं दिल्ली से लाया इतना पसंद से लाया था करके, वो कबूतर मर गया है।